हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज फिर से हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेके आप सभी के लिए आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेल बैगेज ड्रॉप के बारे में। एसबीडी काउंटर जो मेट्रो सिटीज में ओपन हो चुके हैं, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट पर देखेंगे, बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और भी काफी जगह पर हुए हैं, तो उसको कैसे यूज करना है मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अभी उसमें नया अपडेट आया तो इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर जो बने हुए हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टर्मिनल 3 पे ये काउंटर्स आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट रो पे पी काउंटर पर आपको आना है। और यहाँ पर जो जो एयरलाइन ऑपरेट करती है इन काउंटर्स से, उनका मैं नाम बता देता हूँ। एयर इंडिया का अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आप आकर सेल्फ बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंडिगो का अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो भी आप T3 पाके यहाँ बैग ड्रॉप कर सकते हैं, और विस्तारा का भी डोमेस्टिक फ्लाइट का बैग ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो भी एयरलाइन थी आपको वो क्लिक करने के बाद, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपको आपका बोर्डिंग पास स्कैन करना होता था और उसमें काफी दिक्कत आती थी। QR कोड कई बार स्कैन होता था, कई बार नहीं, लेकिन अब जो अपडेट आया दोस्तों बहुत ही इजी हो गया ये प्रोसेस। तो अब आप देखिए, पहले क्योस मशीन पे जाके आपको जो भी एयरलाइन है एयर इंडिया इंडिगो वो क्लिक करना है, उसके बाद ये सारी चीज आपको पढ़नी है कि आपके बैग में ऐसा कोई चीज नहीं है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप एंटर भी कर सकते हैं PNR या टिकट नंबर, या फिर आपका बोर्डिंग पास क्योस मशीन में आप स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद दोस्तों इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, दोबारा से एग्री कंटिन्यू करना है आपको। और उसके बाद जैसे ही आप अपना बोर्डिंग पास की उस मशीन में करते हैं, दो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, उन दोनों का नाम आ चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, सीट ऑलरेडी एलोकेटेड है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी पैसेंजर है सिलेक्ट करने के बाद, जितने भी बैग एड करने हैं वो प्लस करने के बाद आपको वो बैग फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो टैग आपका जो है जनरेट हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो अभी आपको ये देखते हैं मशीन ने आपको टैग दे दिया है। ये टैग और बोर्डिंग पास लेने के बाद दोस्तों ये जो टैग है आपको अपने बैग पर लगाना होगा। बैग पर लगाने के बाद ही आपको SBD काउंटर सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर पे जाना है आगे की तरफ। और ये है SBD काउंटर, क्योस मशीन के बिल्कुल सामने पी काउंटर पर रहता है दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर। अगर आप आते हैं इस तरीके से, आप हैंडल में इसको पेस्ट करेंगे और इस मशीन पर जो SBD मशीन है सेल्फ बैगेज ड्रॉप, यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे, और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर आप उस एयरलाइन को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपको कोई बोर्डिंग पास स्कैन नहीं करना है, सिर्फ टैग से ही ये रीड कर लेगी मशीन की ये कौन सी एयरलाइन का और कहाँ ये बैग जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इसका वेट इसने कैलकुलेट कर लिया है मशीन में, और अब ये पूछ रहा है कि इन बैग में ये आइटम तो नहीं है, और ये ऐसे ही आप एग्री करते हैं ये बैग अब अपना ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से, और इसकी रिसीट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जो लंबी लंबी लाइनें लगती है चेक इन काउंटर पर, उससे आप बच सकते हैं अगर आप एयर इंडिया इंडिगो या फिर इस तरह का फ्लाइट ले रहे हैं डोमेस्टिक। इस काउंटर पर आके आप खुद से ये बैग ड्रॉप कर सकते हैं। ये बैग आपका जा चुका है फ्लाइट के लिए, और दोस्तों इस तरीके से ही आप अगर कोई दूसरा बैग है उसमें भी अपना टैग निकाल के बोर्डिंग पास लेके इस तरीके से टैग पेस्ट करके इस मशीन पर रखेंगे, और ये मशीन अपने आप से ही रीड कर लेगी कि ये कौन सी एयरलाइन का बैग है, प्लस ये बैग कहाँ पर जा रहा है, डोमेस्टिक या जो भी विस्तारा का है, इंडिगो का है या फिर एयर इंडिया का, अपने आप से ही ये मशीन रीड कर लेती है। तो दोस्तों अब ये नया अपडेट आया, पहले बोर्डिंग पास स्कैन कराना पड़ता था इस मशीन में, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अगर आप टैग पेस्ट करके बैग पे रखेंगे तो ये मशीन खुद से रीड कर लेगी एयरलाइन प्लस डेस्टिनेशन कहाँ पर जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से इंडिगो का प्रोसीजर। जैसे ही आपका बोर्डिंग पास या टिकट आपके पास है, उसके अंदर आप जैसे ही PNR फीड करेंगे क्योस मशीन के अंदर, तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें दिखने वाली, यहाँ पर नाम आएगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से नेक्स्ट करेंगे, जितना बैग ऐड करना है वन पे क्लिक करके, फिर आपको आगे फिर से एक्सेप्ट करना है कि ये सारी चीजें आपके बैग में नहीं है, और इस तरीके से आपका जो क्यूस मशीन से है टैग जनरेट हो जाएगा, और उस टैग को आपको अपने बैग पर पेस्ट करना होगा। बैग पर पेस्ट करने के बाद आपको SBD काउंटर जाना है जो कि इन क्यूस मशीन के सामने ही है पी काउंटर पर। वहां जाने के बाद आपको ये बैग जो है आपको मशीन में रखना होगा, और मशीन में जैसे ही आप रखेंगे और उसके बाद इंडिगो क्लिक करेंगे आप, और बैग आपको किस तरीके से रखना है वो भी आप देख लीजिएगा। टैग आपने लगा दिया हैंडल पर, और बैग को इस तरीके से लिटाकर आप रख दीजिएगा थोड़ा पीछे की साइड, ताकि ये मशीन आपका टैग को रीड कर सके। इसके बाद आपको इस मशीन के ऊपर जो भी एयरलाइन है वो आपको क्लिक करनी है। तो ये इंडिगो का टैग है, तो इन्होंने इंडिगो अभी सिलेक्ट किया है पैसेंजर जो जा रहे हैं, और अब ये मशीन खुद से ही इस टैग को रीड करेगी और इसका वेट भी कैलकुलेट करेगी, जितना भी वेट इस बैग के अंदर है, और वो सब आपको इस पे दिखाई देगा होते हुए। तो ये प्रोसेस बहुत आसान है, आप लंबी लंबी क्यू से बच सकते हैं।
ये सारी चीजें बैग में नहीं होनी चाहिए, पावर बैंक, लाइटर, मैच बॉक्स, ई सिगरेट। उसके बाद आप एग्री करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बैग अब अपना फ्लाइट के लिए चला जाएगा, और जब ये बैग जाएगा उसके बाद से आपको एक रिसीट भी मिलने वाली जिसके ऊपर फ्लाइट का डिटेल्स, आपका नाम और बैग किस डेस्टिनेशन के लिए गया है वो सारी चीज लिखी होगी। ये रिसीट आ चुकी है, तो इससे है कि आपके पास जो बैग आपने ड्रॉप किया है SBD काउंटर यानी कि सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर पे, वो सारी डिटेल आपको इस रिसीट पे मिल जाने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।